हेलो गाइस, मैं हूँ चंपा सिंगा। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चंपा सिंगा की। आज एक वीडियो बहुत दिन बाद मैं शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली मैं घर पे नहीं थी, आउट ऑफ दिल्ली थी, तो बहुत दिन से कोई वीडियो नहीं बनी। और मैंने पहले ही बता दिया था सबको कि फिर से मैं नई से शुरुआत करूँगी। मेरे पास कोई भी बर्ड्स नहीं था, एक ही पेयर था जो मैं कहीं और सेट करके चली गई थी। तो अभी फिर से शुरुआत करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होता है, कैसे शुरुआत करनी होती है बिगिनर्स के लिए, किस तरीके से बर्ड ला के केज में छोड़ेंगे, केज में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, तो वही सब आज बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और मेरी यहाँ ब्रीडिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। मैंने अभी 10-15 दिन पहले ही स्टार्ट किया घर से आने के बाद। मैं 6 तारीख को घर पर आई हूँ और 7-8 तारीख को मैं बर्ड्स ले कर आई हूँ। मैं जहाँ रख के गई थी वहाँ से लेके आ गई हूँ। और ये मेरा पुराना बर्ड्स है, ये बहुत पहले का है। ये तो मैंने अपने पापा के पास रख के गई थी, उसी किसी की बच्चे हैं वो ग्रीन वाले। आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी दिन पहले मैंने इसको साइड में रख दिया था मेरे पापा के पास। और ये येलो वाला तो भी आप लोग जानते हैं, ये मैंने अलग से चेंज करके लाई थी। मेरे घर के बच्चे को मैं चेंज करके ये दोनों मेल फीमेल अलग अलग मैं रखी हूँ। ये अभी एग लोडेड है, गौर से देखेंगे तो पता चलेगा ये एग लोडेड है। एक दो दिन में ये एग्स ले कर देगी। तो यही दो पेयर मेरे पास है, ये एग्स ले कर चुके हैं। येलो वाला हंडी में है, मैं दिखाऊंगी अभी, एग्स भी दिखाऊंगी। और ये एग लोडेड है, आजकल मैं एग्स ले कर देगी। और मैंने पहले ही बोला था मैं कुछ फिंचेस लाऊंगी, तो वही कुछ फिंचेस लाई। कुछ क्या, एक पेयर, दो पेयर लाई हूँ मैं। एक तो बैठे हुए है, ये एक पेयर है और उधर एक पेयर है। मैंने दोनों को टोकरी में, टोकरी दे दी थी ना एक हफ्ते बाद ही, मैं टोकरी रख दी थी। तो एक हफ्ते में ये लोग एक स्ले कर चुके हैं। मैं यहाँ से दिखाती हूँ, थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है। तो इन्होंने एक स्ले कर चुके हैं, दोनों ही पेयर एक स्ले कर चुके हैं। और इसका भी एक दिखाऊंगी। और ये पिंजरा मैंने बहुत पहले बनाई थी, मेरा पहले पिंजरा सब मैंने हटा दिया। देखिए मेरा ये नया पिंजरा है, इसमें मैं फिंचेस रखी हूँ और ये दो पेयर मैंने बजरी रखी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप अगर बर्ड्स शुरू से लेके आते हैं, एक पेयर या दो पेयर या तीन पेयर जैसे भी लाते हैं, ऐसे एक पेयर मान लीजिए ले आए हैं, तो ये कम से कम आपका 1.5 फीट होना चाहिए। ऐसे लंबाई में आपको 1 फीट बहुत है, अगर ज़्यादा दे सके तो और अच्छी बात है। 1.5 बाई 1.5 का केज बहुत अच्छा होता है एक पेयर के लिए। लाते ही इनको मटकी ना लगा, ये मेरा पुराना पेयर है इसलिए मैंने मटकी दे दी थी एक हफ्ते में। और देखिए मेरा पंखा लगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पहले आप ऐसे पिंजरे लेके आएं, फिर पेयर को डालें। अगर एडल्ट पेयर है तो आप 15 दिन बाद उसमें मटकी लगा दें। और एक बर्तन रखें सॉफ्ट फूड के लिए, एक पानी के लिए, एक दाना के लिए। अभी गर्मी है तो मैं जस्ट खाली छोटे कांगनी दे रही हूँ। और कुछ ग्रीट टाइप का रखा हुआ है, एक छोटे से बर्तन में आपको ग्रीट रखना पड़ेगा। ग्रीट में बहुत कुछ होता है, पर अभी ग्रीट को लेके फिर से वीडियो मेरी चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। नहीं तो फिर से वीडियो बना दूंगी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ग्रीट, जिस जिसको ग्रीट बनाने का वीडियो चाहिए तो मैं फिर से अपलोड करूँगी। ये एक अंडे का छिलका रखना चाहिए क्योंकि इसमें कैल्शियम होती है। और ये वाइट वाला नमक, ये ब्लैक वाला नमक, और ये कुछ ग्रीट का बहुत सारा सामान मिला के ग्रीट बनता है, ये ग्रीट है। तो ये एक हमेशा देना चाहिए क्योंकि जंगलों में ये लोगों को जो चाहिए होता है उसको वो मिल जाता है, पर हम लोग उसको वो चीज़ नहीं दे पाते हैं। और ये कैल्शियम ब्लॉक है, ये भी रखना ज़रूरी होता है। कटल फिश बोन मेरी उसके अंदर ही है, छोटा छोटा टुकड़ा कटल फिश बोन भी देना होता है। और जब आप बर्ड्स को ले आते हैं, कुछ दिन अपने पास रखिए, हफ्ता दिन, 15 दिन, ज़रूरत पड़े तो 1 महीना भी रखिए। उसको धीरे धीरे ट्रेंड कीजिए। ट्रेंड का मतलब ये है कुछ दवाइयाँ देना पड़ता है उसको, अगर वो एडल्ट पेयर है तो, अगर आप उससे ब्रीड लेना चाहते हैं तो उसको कुछ दवाई देना पड़ता है, कैल्शियम, विटामिन। देखिए ये एग्स देने के लिए ही बार बार मटकी की तरफ झांक रहा है। तो जो भी हो, ये आजकल मैं एग्स ले कर देगा, मैं आपको दिखाऊंगी, सभी को दिखाऊंगी एग्स ले कर चुके, कल परसों ले एक ले कर चुके होंगे क्योंकि आपके सामने ही मटके में चला गया। ये मुझे देख के डर रहे हैं। तो ऐसे ही एक केज के अंदर आप ये सारा सामान रखें
और 15-20 दिन बाद आप इनको मटकी दे, एकदम से मटकी ला के ना दे और केज को इधर से उधर हिलाए नहीं। बहुत लोगों को मैंने देखा यहाँ से उठा के वहाँ, वहाँ से उठा के वहाँ, इस तरीके से ना करे, इनको बिल्कुल एक जगह में फिक्स कर दे और आना जाना वहाँ ज़्यादा ना करे, तो देखिएगा आपका ब्रीड बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। और कुत्ता बिल्ली से थोड़ा दूर रखें, बच्चों से थोड़ा दूर रखें, बार बार कोई डिस्टर्ब करेगा तो वो कभी भी इसलिए नहीं करेंगे, उनको सुनसान अकेले में शांत जगह में रख दें। जैसे मेरा एक ये छोटा सा किचन है, मैं इसी में सेट कर रखी हूँ। और देखिए मेरा 15 दिन का, मैं 6 तारीख को आई हूँ और आज 22-23 तारीख हो रहा है, मेरे इसमें ब्रीड हो चुका है, लगभग सभी में ही ब्रीड हो चुका है। मेरे पास 2 पेयर फिंच है, 2 पेयर बजरी है, इसी का ही ब्रीड लेके मैं दिखाऊंगी, किसे शुरू से कैसे शुरुआत की जाती है वही बताऊंगी। सभी लोगों को पता है जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं, मेरे व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को, मेरे पास कोई भी बर्ड्स नहीं था, सिर्फ यही एक पेयर था जो मैंने बाहर इस जगह पर सेट करके रखा था। घर से आने के बाद मैं सफाई करके 3 पेयर को यहाँ डाल दिया, ये पेयर मेरे पापा के पास रखा हुआ था इसको ले आई, और ये 2 पेयर मैंने फिंचेस ले आई। फिंचेस से भी ब्रीड लेके दिखाऊंगी, बहुत लोग फिंचेस के बारे में भी पूछते रहते हैं, फिंचेस के भी सेम चीज़ है, इसी तरीके से इनको ला के एक पिंजरे में छोड़ दें, कैल्शियम ब्लॉक दे दें, इनके चोंच छोटे हैं तो बहुत छोटे छोटे करके बारीक बारीक करके ये सारे चीज़ दिया करें। ये ग्रीट है जो उधर रखे हैं, एक पानी का प्लेट, एक सॉफ्ट फूड, और हाँ सॉफ्ट फूड ज़रूर देना होता है, चाहे आपके बर्ड्स एक ले कर रहे हों, ब्रीड के हो या ना हो। बहुत लोग कहते हैं कि मेरे बर्ड्स एक फूड नहीं खाते हैं, सॉफ्ट फूड नहीं खाते हैं, मैं क्या करूँ। जब तक आप उनको ये आदत नहीं डलवाएंगे सॉफ्ट फूड के, तब तक वो कभी भी ब्रीड पे नहीं आएंगे। ब्रीड करेंगे भी, एक ले करेंगे भी, तो उनमें से बेबीज नहीं आएंगे, एक फर्टिलिटी नहीं होगी। अगर बच्चे निकल भी जाएंगे तो वो बच्चे बड़े नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सॉफ्ट फूड बहुत बड़ा मायने रखता है बेबी को पालने के लिए। इस पर फिर से कभी कोई वीडियो करेंगे। तो चलिए अभी छोटा सा वीडियो था, मैं आप लोगों को ब्रीड के लिए दिखा देती हूँ मेरे इसमें क्या क्या अभी एग्स वगैरह आया है। चलिए फिंचेस से शुरू करते हैं। देखिए इसमें एक एग्स आ चुके हैं, देखिए इसमें 2 एग्स आ चुके हैं, ये तो हो गई। और इसमें अभी तक आए नहीं, फिर भी मैं दिखा देती हूँ कल परसों इसका भी ब्रीड हो जाएगी, एक स्ले कर देगी इस पर। देखिए इस पर अभी तक कोई, एक्चुअली छोटा सा है पिंजरा, फोन बड़ा है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए अभी तक कोई ब्रीड इसमें नहीं हुई है, 1-2 दिन में इसमें भी एक आ जाएगी। अब चलते हैं ऊपर वाले में, देखिए ये एग्स लेके बैठी हुई है, ये मेरा पुराना पेयर, देखिए ये एग्स लेके बैठी हुई है येलो वाली। तो सब पे एग्स ले हो चुके हैं, जस्ट इस पे ही बाकी है, ये भी 1-2 दिन में एग ले कर चुके होंगे। तो छोटा सा वीडियो था, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब कर ले जल्दी से, जो नए व्यूवर्स देख रहे हैं वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू।